Dear students, welcome to Angan Public School. Today is the lecture of science. Okay, what we are going to do? Okay, क्या करेंगे आज हम लोग? Okay, तो this is the chapter number 3, developmental journey of seed. Okay, यानी कि seed की journey के बारे में हम discuss करेंगे ये chapter में. How to grow seed? ओके एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड, तो बाइकोट सीड, डाइकोट सीड, सीरियल्स, पल्सेस, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सीरियल्स एंड पल्सेस. ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सीड. ओके, मोनोकोट सीड, डाइकोट सीड, अबाउट सीरियल्स, पल्सेस. ओके, लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट गिवन द पिक्चर, हियर गिवन द पिक्चर. ओके, observe this picture carefully students. Okay, and here given are some questions. Okay, so now we will discuss the answer of these questions. First is, what do you see in the first picture? Okay, what do you see in the first picture? In this first picture, what to see, hum kya dekhenge ye picture mein? So in this picture we see the ground. Okay, the sun shining in the sky एंड द माउंटेन्स. ओके, यानी कि ग्राउंड है, यहाँ पे सनशाइन कर रहा है स्काई में, और यहाँ पे माउंटेन्स भी है. एंड अ सीड, दिस इज अ सीड, तो ये सीड क्या कर रहा है? द सीड इज रेस्टिंग बिलो द ग्राउंड. ओके, ये सीड क्या कर रहा है? ग्राउंड में क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है. ओके, तो वी सी द ग्राउंड, द सन शाइनिंग इन द स्काई एंड द माउंटेन्स. And the seed is seen resting below the ground. Okay, now next, what is seen in this second picture? So we can see the ground. Okay, हमने इन पिक्चर, इस पिक्चर में भी हमको ground दिख रहा है. Okay, and also see the mountains and the moon in the sky. First picture में sky and mountains थे. Second picture में ये क्या है? Moon. ओके, तो वी कैन सी इन द ग्राउंड द मून इन द स्काई, द माउंटेन्स एंड द सीड बिलो द ग्राउंड इज गेटिंग रेडी टू ग्रो. ओके, सेकंड पिक्चर में क्या है कि मून, माउंटेन्स, ग्राउंड एंड ऑल्सो जो सीड है वो क्या है? ग्रोइंग के लिए क्या है? रेडी. ओके, नाउ थर्ड, विच सीजन इज शोन इन द थर्ड पिक्चर? द थर्ड पिक्चर इज इन दिस पिक्चर आर गेटिंग रेन. ओके, ये पिक्चर में क्या हो रहा है? रेन. ओके, तो दिस पिक्चर शोज द रेनी सीजन. ओके, तो द थर्ड पिक्चर शोज द रेनी सीजन. वॉट डू यू सी इन द फोर्थ पिक्चर? वॉट डू यू सी इन द फोर्थ पिक्चर? ओके, क्या दिखाई दे रहा है फोर्थ पिक्चर में? तो इन दिस फोर्थ पिक्चर द सीड हैज़ बीन बिकम अ लार्ज ट्री. The sun, the mountains are seen behind this tree and grass is growing around the tree. Okay, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि the seed has become a large tree. The sun and mountains behind this tree and also the growing grass is around this tree. Okay, again, what do you see in the first picture? We see the ground, the sunshine in the sky, the mountains and a seed is seen resting below the ground. Okay, what is seen in the second picture? We can see the ground, the moon in the sky and the mountains, and the ground is ready to grow. The seed below the ground is getting ready to grow. Now third, which season is shown in this third picture? In this third picture, rainy season is shown. What do you see in this fourth picture? So the seed has become a large tree. The sun, the mountain are seen behind the large tree and the grass is growing around this tree. Okay, now next. Here given are one activity. Let us discuss about these activities. First, break each different kind of seeds with a stone. Break each different kind of seeds with a stone
आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो सीड्स है उसको क्या करना है, स्टोन से ब्रेक करना है. पुट असाइड द सीड विच हैज़ बीन ब्रोकन इंटू टू इक्वल हाल्व्स. ओके, जो दो पार्ट में जो क्या हुए, ब्रोक हुए, उसको एक साइड आपको करना है. एंड सेपरेट द सीड विच हैज गोट इंटू पाउडर फॉर्म वाइल ब्रेकिंग. जब आप तोड़ते हो उसको, ब्रेक करते हो, जब जो तो वो सीड में से जब पाउडर निकलता है, पाउडर में फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, तो वो सीड को आप अलग सेपरेट करना है. फाइनली रब ऑल द सीड्स दैट हैव ब्रोकन इन इक्वल हाल्व्स और गोट इंटू पाउडर ऑन अ पीस. ओके, आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के सीड्स लेने हैं, फिर उसको स्टोन उसमें क्या करना है, इसको पत्थर से मारना है उस स्टोन्स को. ओके, फिर आपको जो दो इक्वल हाल्व्स में यानी दो पार्ट में जो सीड्स ब्रोक हुए हैं उसको एक साइड करना है. फिर आपको जो पाउडर फॉर्म में ब्रेक हुए हैं उसको एक साइड करना है. फिर आपको क्या करना है कि आपको एक पेपर सीड को रब करना है. ओके, या तो कोई पेपर में रब करना है और उसमें ओके, तो वो सीड को अलग करना है. ओके, तो सीड्स विथ टू इक्वल हाल्व्स. ओके, यानी कि सीड्स हैविंग ब्रोकन इंटू टू इक्वल हाल्व्स बट लिविंग नो ऑयली मार्क्स ऑन अ पेपर प्रेपर ड्यूरिंग रबिंग आर कोल्ड पल्सिस. सीड्स हैविंग ब्रोकन इंटू टू इक्वल हाल्व्स बट लिविंग नो ऑयली मार्क्स ऑन अ पेपर ड्यूरिंग रबिंग आर कोल्ड पल्सिस. वॉट इज द मीनिंग ऑफ पल्सिस, यानी कि जब आपको सीड को ब्रोक कर रहे हो तो दो पार्ट में वो बट जाएगा, बट जब उसको रब करोगे पेपर में तो ऑयल के मार्क ऑयली मार्क्स नहीं हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, पल्सिस. ओके, जैसे कि ग्रीन ग्रेम, ग्रीन ग्रेम मीन्स मूंग. पीजन पी, पीजन पी यानी तुअर. बेंगल ग्रेम, बेंगल ग्रेम यानी चना दाल. एंड पीस. ओके, दिस फोर्स आर पल्सिस. नाउ सेकंड, सीड्स विच हैव बीन ब्रोकन इंटू पीसीज और टर्न इंटू पाउडर फॉर्म. ओके, द सीड विच टर्न इंटू ब्रोकन पाउडर और पीसीज आर कोल्ड और नोन एज सीरियल्स. The seeds which turn into broken pieces or powder are called or known as cereals. Okay? यानी कि seeds को जब ब्रोक करते हैं वो तो powder form में turn होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, cereals. Okay? For example, wheat, maize, jowar, millet. Okay? Now next, pieces or powder of seeds leaving oily spots on paper during rubbing. यानी कि जब उसको रब करते हैं जो भी सीड्स को या जो सीड के पीसीस या पाउडर फॉर्म को, तो पेपर में उस दौरान ऑयली स्पॉट्स हो जाते हैं. ओके, तो वो बन जाते हैं ऑयल सीड्स. ओके, द सीड्स रिलीजिंग ऑयल वाइल ब्रेकिंग इनटू पीसीस और मेकिंग पेस्ट और पाउडर आर नोन एज ऑयल सीड्स. ओके, द सीड्स रिलीजिंग ऑयल वाइल ब्रेकिंग इनटू पीसीस और मेकिंग पेस्ट और पाउडर आर नोन एज ऑयल सीड. ओके, यानी कि जब उसको हम ब्रेक करते हैं सीड को और उसकी पेस्ट को और पाउडर को, जब पेपर में हम रब करेंगे या तो उसकी पेस्ट बनाएंगे तो उसमें से ऑयल निकलेगा, ऑयल रिलीज होगा, तो वो जो सीड होते हैं उसको क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल ऑयल सीड्स. ओके, सीसेम यानी तिल. ओके, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल यानी एरंडा, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड मस्टर्ड. ओके, let us revise the definition of pulses, cereals and oil seeds. Seeds having broken into two equal halves but leaving no daily marks on a paper during rubbing are called pulses. Seeds having broken equal halves but leaving no oily marks on a paper during rubbing are called pulses. Cereals, the seeds which turn into broken pieces or powder are called or known as cereals. The seeds which turned into broken pieces or powder are called or known as cereals. Okay, oil seed, yani the seeds releasing oil while breaking into pieces or making paste or powder are called oil seeds. Okay, the seeds releasing oil while breaking into pieces or making paste or powder are known as oil seed. Okay, now next. Okay,
वॉट इज डाइकोट सीड्स एंड मोनोकोट सीड्स, ये क्या है डाइकोट सीड्स एंड मोनोकोट सीड्स किसको बोलते हैं? तो सीड्स विच कैन बी स्प्लिट इंटू टू इक्वल हाल्व्स आर कोल्ड एज डाइकोट सीड्स. सीड्स विच कैन बी स्प्लिट इंटू टू इक्वल हाल्व्स आर नोन एज डाइकोट सीड्स. सेकंड, सीड विच कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू टू इक्वल हाल्व्स आर नोन एज मोनोकोट सीड. यानी कि जो सीड्स है उसको दो पार्ट हो जाते हैं, स्प्लिट होते हैं दो पार्ट्स में, उसको डाइकोट सीड्स बोलते हैं. और जो सीड होते हैं जो स्प्लिट नहीं होते दो इक्वल पार्ट्स में, तो उसको बोलते हैं मोनोकोट सीड्स. ओके, हियर आर गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ डाइकोट सीड्स एंड मोनोकोट सीड्स. ओके, तो सीड स्प्लिट इंटू टू इक्वल हाल्व्स आफ्टर ब्रेकिंग. फर्स्ट ग्रीन ग्रैम, बेंगल ग्रैम यानी काले चने, ग्रीन ग्रैम यानी मूंग, फील्ड बीन यानी वाल. ओके, फिर मोठ बीन, मठ बोलते हैं ना वो मूंग दाल जैसा, मूंग जैसा होता है. ओके, मोठ बीन. अगेन डाइकोट सीड्स कौन से हैं? ग्रीन ग्रैम, बेंगल ग्रैम, फिर है फील्ड बीन, मोठ बीन. ओके, फिर पीजन बी भी आता है. ओके, नेक्स्ट, सीड्स कन्वर्टेड इंटू मेनी स्मॉल पीसेस ऑफ पाउडर फॉर्म आफ्टर ब्रेकिंग. ओके, फॉर एग्जांपल मिलेट, मेज, व्हीट, ज्वार, केस्टर, मस्टर्ड. ओके, दिस ऑल आर मोनोकोट सीड्स. ओके, मिलेट, मेज, व्हीट, ज्वार, कस्टर्ड एंड मस्टर्ड, ये सब कौन से हैं? मोनोकोट सीड्स. ओके, वॉट इज डाइकोट सीड्स? सीड्स विच कैन बी स्प्लिट इंटू टू इक्वल हाल्व्स आर नोन एज डाइकोट सीड्स. एंड सीड्स विच कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू टू इक्वल हाल्व्स आर नोन एज मोनोकोट सीड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, हियर आर गिवन सम मोनोकोट सीड एंड डाइकोट सीड. ओके, तो आपको उसको क्या करना है, उसको सेपरेट करना है. मोनोकोट सीड को राइट करना है हियर एंड डाइकोट सीड राइट इन हियर. ओके, फर्स्ट व्हीट, तो व्हीट इज डाइकोट या मोनोकोट? मोनोकोट सीड्स, तो मोनोकोट सीड. व्हीट इज मोनोकोट सीड. ओके, पीजन पी, पीजन पी इज डाइकोट सीड. मस्टर्ड, मस्टर्ड इज मोनोकोट सीड. रीबड़गड़, रीबड़गड़ यानी तुरई लौकी. ओके, क्या? तुरई लौकी. एंड विच इज मोनोकोट सीड. ओके, बाजरा, तो बाजरा इज मोनोकोट सीड. ओके, देन मेज, मेज यानी मोनोकोट सीड. राइस, राइस भी किस में आता है? मोनोकोट सीड में. ओके, और जो मैंगो सीड है, ओके, मैंगो सीड किस में जाता है? डाइकोट सीड में. ओके स्टूडेंट, हियर आर गिवन सम अनदर एक्टिविटी. ओके, टेक टू और थ्री मोनोकोट एंड डाइकोट सीड्स. ओके, आपको दो या तीन मोनोकोट या डाइकोट के सीड लेने हैं. शो दिस सीड्स इन अ टी कप. टी कप में आपको उसको शो करना है, यानी बोना है प्लास्टिक बैग या तो ओपन स्पेस अराउंड योर हाउस और स्कूल. टी कप में या तो कोई प्लास्टिक बैग में या तो कोई ओपन स्पेस में आपको उसको शो करना है. सी दैट दे आर एक्सपोज टू सनलाइट. ओके, फिर आपको वो देखना है, फिर वो क्या होने चाहिए? सनलाइट में एक्सपोज होने चाहिए. ओके, वॉटर द प्लांट्स टाइमली. फिर उसको टाइम टाइम पे पानी देना है. एंड ऑब्जर्व देम डेली. ओके, तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो आपको हमने फॉर एग्जांपल ग्रीन ग्रैम, फील्ड बीन और व्हीट. ओके, ये तीन सीड्स हमने शो किए हैं. ओके, वी विल शो सीड्स ऑफ ग्रीन ग्रैम, फील्ड बीन एंड व्हीट. ओके, वी विल शो the seeds of green gram, field beans and wheat. Okay, so what will you observe then? To write first, write the names of seed which have sprouted first. तो इस ये जो तीनों seeds है उसमें से कौन से seeds है जो first sprout हो गए? तो wheat and green gram.
ओके वीट एंड ग्रीन ग्रेम्स विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट विच सीड्स हैव ग्रोन बाय द फिफ्थ डे विच सीड्स हैव ग्रोन बाय द फिफ्थ डे तो ग्रीन ग्रेम वीट एंड फील्ड बीन्स आर ग्रोन बाय द फिफ्थ डे तो फिफ्थ डे पे ग्रीन ग्रेम वीट एंड फील्ड बीन ओके अच्छी तरीके से तीनों सीड्स फिफ्थ डे पे क्या हो जाते हैं ग्रोन हो जाते हैं नाउ नेक्स्ट विच सीड्स हैज ग्रोन द टोलेस्ट सबसे टोलेस्ट कौन सा सीड्स है जो ग्रो होता है तो कौन सा सीड ग्रीन ग्रेम ओके द सीड्स ऑफ ग्रीन ग्रेम हैज ग्रोन द टोलेस्ट विच सीड्स वर द फर्स्ट टू स्प्राउट बियरिंग टू लीव्स ओके सबसे पहले दो लीव्स कौन सा सीड है जो बियर करता है यानी कि वो कौन से स्प्राउट होते हैं फर्स्टली वो बियर करता है दो लीव्स को ओके तो कौन से द सीड्स ऑफ वीट एंड ग्रीन ग्रेम वर द फर्स्ट टू स्प्राउट बियरिंग टू लीव्स ओके स्टूडेंट्स टुडे हम लोगों ने क्या किया आज सीरियल्स पल्सिस ऑयल सीड्स डाइकोट सीड्स मोनोकोट सीड्स यानी पल्सिस यानी कि जिसको हम ब्रोक करते हैं ओके और दो हाल्स में क्या होते हैं इक्वल पार्ट में स्प्लिट होते हैं तो वो हो गए पल्सिस ओके सीरियल्स यानी कि जिसको दो इक्वल हाल्स में यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में फॉर्म में वो ब्रेक नहीं होते वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो हो जाएंगे सीरियल्स देन ऑयल सीड यानी कि जो भी सीड के पीसीस है या पाउडर है जिसको पेपर में हम रब करेंगे तो वो पेपर में ऑयली स्पॉट हो जाएंगे तो वो हो गए ऑयल सीड्स डाइकोट यानी कि जो सीड्स दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट होते हैं उसको डाइकोट सीड्स बोलते हैं मोनोकोट सीड्स यानी कि जिसको दो इक्वल हाल्स में स्प्लिट नहीं होते उसको मोनोकोट सीड्स बोलते हैं ओके हियर टुडेज लेक्चर इज कंप्लीट ओके स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट